हाय गाइस, मैं हूं आपके दोस्त एंड होस्ट कबीर। बात करते हैं जनाब क्रिकेट की, और क्रिकेट में हम बात करेंगे आईपीएल 2021 की। नीलामी से पहले इन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है मुंबई इंडियंस। जनाब इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2021 की नीलामी का आयोजन 11 फरवरी को हो सकता है। इससे पहले 21 जनवरी तक सभी टीमों को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी। इससे पहले जानिए कि मुंबई इंडियंस अपने किन किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। मुंबई इंडियंस ने पिछले सीजन यानी कि आईपीएल 2020 में खिताब पर कब्जा किया था। इसके साथ ही वो सीजन की सबसे संतुलित और मजबूत टीम भी रही थी। लेकिन इसके बावजूद मुंबई आगामी सीजन की नीलामी से पहले कुछ खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। उन खिलाड़ियों में नाम है, पहला जो नाम है वो नाम है क्रिस लिन का। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस लिन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन टीम पहले से ही क्विंटन डिकन और रोहित शर्मा के होने से लिन को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में मुंबई इंडियंस का टीम मैनेजमेंट आगामी सीजन के लिए लिन को रिलीज कर सकता है। सेकंड जो है लसित मलिंगा। श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज लसित मलिंगा निजी कारणों की वजह से आईपीएल 2020 में नहीं खेले थे। बढ़ती उम्र और टीम में पहले से ही काफी गेंदबाजों के होने के कारण मुंबई इंडियंस लसित मलिंगा को रिलीज कर सकती है। तीसरे जो है रदरफोर्ड है। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस ने पिछले सीजन में ट्रेंड विंडो के तहत अपनी टीम में शामिल किया था। रदरफोर्ड आईपीएल 2019 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा थे। रदरफोर्ड को आईपीएल 2020 में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में इस सीजन से पहले मुंबई उन्हें रिलीज कर सकती है। जनाब तो ये वो खिलाड़ी हैं जनाब मुंबई के, जिनको मुंबई रिलीज कर सकती है आईपीएल 2021 के लिए। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और ऐसी लेटेस्ट खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। We'll be right back.